गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू फर्स्ट स्टेप एजुकेयर क्लासेस। तो आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 7 का साइंस, न्यूट्रिशन इन प्लांट पार्ट 1। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, तो इसके बारे में बात करते हैं, देखते हैं। तो बात यहाँ पे करना है न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। न्यूट्रिशन इन प्लांट, तो न्यूट्रिशन इन प्लांट में बात करने के पहले सबसे पहले समझना होगा न्यूट्रिशन क्या होता है। तो न्यूट्रिशन यहाँ पे देख लेते हैं, जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए फूड एसेंशियल होता है। क्या एसेंशियल होता है? फूड एसेंशियल होता है। तो फूड एसेंशियल होता है, तो फूड क्यों एसेंशियल होता है? फूड में क्या क्या चीजें होती हैं? तो फूड में जो हमें मिलता है वो मिलता है कार्बोहाइड्रेट मिलता है, प्रोटीन मिलता है, फैट मिलता है, विटामिन मिलता है, मिनरल्स मिलता है, और भी बहुत सारी चीजें मिलती है। तो हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, ये सारी चीजें मिलता है, उससे क्या फंक्शन होता है हमारे बॉडी में। चलिए और भी लिखा है कि दीज कंपोनेंट्स ऑफ द फूड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी एंड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। यानी जितने भी फूड कंपोनेंट्स जो होते हैं, जो कि नेसेसरी होते हैं हमारे बॉडी में, वो सारे क्या कहलाते हैं? न्यूट्रिएंट कहलाते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट जो कि हमें एनर्जी देता है। फिर प्रोटीन जो हमें क्या करता है, जब कभी भी जख्म वगैरह होता है, यानी हीलिंग पावर होता है। बॉडी बिल्डिंग फूड में अगर कहें तो प्रोटीन कहते हैं। आगे बात करते हैं कि फैट, फैट होता है जो कि हमें क्या करता है, एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करता है। विटामिन जो हमें डिजीज से लड़ने की क्षमता देता है। मिनरल जो होता है बहुत सारे डिजीज से लड़ने के लिए, बहुत सारी बीमारियों से बचा कर रखता है, ये हमें मिनरल्स। आगे बात करते हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड। सारे जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसे क्या चाहिए? फूड चाहिए। प्लांट कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स व्हाई एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट। अगर बात करते हैं कि प्लांट जो होता है खुद से क्या करता है, अपना भोजन बनाता है। प्लांट मेक देयर फूड देमसेल्व्स बट एनिमल इंक्लूडिंग कैन नॉट। जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं? नहीं बनाते हैं। एनिमल खुद से नहीं बनाते हैं। अब आगे बात करते हैं कि प्लांट में अगर फूड खुद से बनाते हैं तो उसका नरिशमेंट यानी न्यूट्रिशन कैसा होता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, प्लांट्स आर ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड देमसेल्व्स बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। अब बात करते हैं कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स, ये सारी चीजों का यूज करके क्या करता है प्लांट? अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर लेता है। तो आगे हम देखते हैं कि कैसे तैयार कर लेता है, क्या प्रोसीजर होता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, क्या? द न्यूट्रिएंट इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ देयर बॉडीज, प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट द लाइफ प्रोसेस। ऑफकोर्स, तो जैसा कि हमने यहाँ पे बताया था कि क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट आपका एनर्जी देता है, प्रोटीन आपका बॉडी बिल्डिंग होता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे लिख दिया है कि न्यूट्रिएंट्स से हमें क्या मिलता है, बॉडी क्या होता है, बिल्ड होता है, दूसरा ग्रो होते हैं, रिपेयर होते हैं। तो ये सारी चीजें कहाँ से मिलता है? न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट में हमें क्या क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, ये सारी चीजें मिलता है। तो ये सारी चीजों से हम लोग क्या करेंगे, आगे देखते हैं। हमारा है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन क्या होता है। तो न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, न्यूट्रिएंट हम लोग लेते हैं। हम लोग अगर बात करें तो हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट लेते हैं और उसका बॉडी में इस्तेमाल करने का या यूज करने का, यूटिलाइज करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। इसको पूरे को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। यानी न्यूट्रिएंट को लेना, उसका यूटिलाइजेशन करना, ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाएगा, न्यूट्रिशन कहलाता है। अब आगे बात करते हैं द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक देयर फूड देमसेल्व्स बाय सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। अगर बात करते हैं न्यूट्रिशन के दौरान, यानी न्यूट्रिशन जैसे फूड लेना, कंज्यूम करना और उसके बाद उसका जो भी उसमें न्यूट्रिएंट अवेलेबल है उसका इस्तेमाल करना, ये प्रोसेस अगर खुद से ऑटोमेटिक हो रहा है, खुद से अपने
पे कर रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, ऑटोट्रॉफिक। जैसे प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट में क्या होता है, खुद से सारा कुछ करता है, रूट के थ्रू क्या होता है वाटर लेता है, मिनरल्स लेता है और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, फिर सनलाइट के प्रेजेंस में क्या करता है अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है। तो इस तरीके से प्लांट ओनली वन लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो क्या करता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करता है। यहाँ पे लिखा है कि देयरफॉर प्लांट आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स होता है या कह सकते हैं इसी में ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करता है, ऑटोट्रॉप्स है प्लांट और ये जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस है उसको ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं एनिमल एंड द मोस्ट अदर अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन रेडी मेड फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट, दे आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स। अब हम लोग का बात करें तो हम लोग क्या करते हैं, रेडीमेड जो भी लेते हैं क्या न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है, जो कि प्लांट के द्वारा तैयार किया गया चीजें को हम लोग कंज्यूम करते हैं। जैसे हम बात करते हैं भोजन जब प्रिपेयर करते हैं क्या करते हैं, उसके लिए हमें बहुत सारी चीजें चाहिए होती है, ठीक है। जैसे कि अगर हम फूड प्रिपेयर करते हैं तो चाहिए गेहूं चावल ये सारी चीजें। अब बात करते हैं नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट आर लोकेटेड। अब चलिए ठीक है, प्लांट जो बनाता है अपना फूड वो खुद से बनाता है, लेकिन वो कहाँ बनाता है, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो जो फूड का जो फैक्ट्री होता है या कह सकते हैं प्लांट का जो फूड फैक्ट्री होता है वो उसका लीफ होता है, कहाँ होता है लीफ, लीफ में क्या होता है उसका भोजन तैयार होता है। अब लीफ में सारा कुछ अवेलेबल होता है क्या, यानी जहां भी फैक्ट्री होता है तो उसके लिए तो सारा कुछ चाहिए, कोई भी प्रोडक्ट बनाता है जैसे आप देखते होंगे कि किसी भी फैक्ट्री में अगर कुछ भी प्रिपेयर होता है तो उसके लिए रॉ मटेरियल्स चाहिए होता है। तो चलिए ठीक है, यहाँ पे प्लांट भी अपना फूड प्रिपेयर करता है तो उसके लिए भी तो रॉ मटेरियल्स चाहिए ही। अब रॉ मटेरियल्स कहाँ से लाएगा, तो रॉ मटेरियल्स जो लाता है वो अपने हर एक बींग से या कह सकते हैं अलग अलग जगह से यूज करता है। जैसे रूट से क्या करता है वाटर एंड मिनरल्स ले लेता है, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है और बाकी सनलाइट तो प्रेजेंस रहता ही है, और ये सारा सारे के हेल्प से लीफ में क्या होता है, लीफ में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टीनी पोर्स प्रेजेंट आवर सरफेस ऑफ द लीफ। अब बात करते हैं और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है वो कहाँ से लेता है, तो लीफ में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, क्या होते हैं छोटे छोटे छिद्र होते हैं, पोर्स होते हैं, जिसके थ्रू क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है ले लिया जाता है। अब बात करते हैं कि वो जो लीफ में छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसमें कुछ तो होता होगा, जैसे कि वहां से इनहेल करने के लिए एक्सहेल करने के लिए, तो वहां पे एक प्रेजेंट होता है गार्ड सेल जिसको हम लोग कहते हैं क्या स्टोमाटा।